Hello and welcome, my lovely students. I, Inspector VD, welcome you all at ADDA 247 Students Heaven. Well, बहुत सारे students confused रहते हैं कि sir कौन सा word adjective है, कौन सा word adverb है, कौन सा adjective है, कौन सा adverb है. आप लोगों ने normal एक चीज दिमाग में बिठा रखा है कि जिसके भी पीछे ly लग जाता है, वो क्या बन जाता है आपका adverb है ना. आप लोग ऐसे सोचते हो. आज हम देखेंगे कि क्या वाकई किसी के पीछे अगर ly लग जाता है तो क्या वो एक एडवर्ब बनता है. लेट अस सी. देखो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. अगर मैं कहूं आप लोगों को timid, timid, क्या कोई बच्चा इसका आंसर मुझे बताएगा? इसका आंसर क्या है? एनीबॉडी? timid, timid, इसका जो आंसर होता है वो होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं, डरपोक. आप लोग मुझे बोलोगे COWARD, सर इसका जो है वो कावर्ड हो सकता है ना, डरपोक इज कावर्ड. बट मैं बोलूंगा कि ये नहीं हो सकता. क्यों? टिमिड इज एडजेक्टिव. टिमिड क्या है? एडजेक्टिव है. कावर्ड क्या है? कोई मुझे बताए, कोई भी बच्चा अगर मुझे बताएगा कि कावर्ड क्या होता है, कावर्ड आपका होगा, कावर्ड होता है डरपोक इंसान. ये एक नाउन का काम करता है. क्या काम करता है? नाउन का काम करता है. एक एक बात ध्यान रखना गाइस, एक एडजेक्टिव का जो सिनोनिम है वो एक एडजेक्टिव ही होता है, एक नाउन का सिनोनिम जो है वो एक नाउन ही होता है, और एक वर्ब का सिनोनिम जो है वो वर्ब ही होता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. जरा अब हम बात देखें एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में. तो छोटी सी एक फॉर्मूला मैं आज आप लोगों को बता दूंगा, उसको आप अपने ग्रामर में यूज करना और आपका काम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा. देखो कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड. अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई को जोड़ देते हो, अगर इस एडजेक्टिव में आप एल वाई को जोड़ देते हो, दैट बिकम्स एडवर्ब. आई होप आपको ये बात समझ में आया. अगर आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई को जोड़ देते हो, वो क्या बन जाता है आपका? एडवर्ब. देखो हम कैसे बनाते हैं. मैं बोलता हूं स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो प्लस एल वाई, क्या बन गया? स्लोली. आई होप यू गॉट. मैं बोलता हूं आपको ब्यूटीफुल, इसमें जोड़ दो भाई एल वाई, क्या बन गया बताइए ना? ब्यूटीफुली. मैं आपको बोलता हूं केयरफुल, इसमें आप अगर जोड़ देंगे एल वाई, ये आपका क्या बन गया? केयरफुली. है कि नहीं? तो अगर किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई को जोड़ देते हो, दैट बिकम्स व्हाट? एडवर्ब. लेकिन बट अगर आप किसी नाउन के अंदर, ध्यान से सुन लेना बेटे, अगर आप किसी नाउन के अंदर एल वाई को जोड़ देते हो, दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स व्हाट? वो आपका बन जाता है एक एडजेक्टिव. अगर आप किसी नाउन के अंदर एल वाई को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? एक एडजेक्टिव. कैसे? आओ बना के दिखाता हूं मैं. नाउन कोई नाउन लो, जैसे हम लेते हैं फादर, फादर प्लस एल वाई, क्या बन गया? फादरली. फादर प्लस एल वाई क्या बन गया? फादरली. मदर प्लस एल वाई क्या बन गया? मदरली. कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? स्लो प्लस एल वाई, स्लोली, वो एडवर्ब बना था. बट मदर, मदर क्या होता है? माता, एक नाउन है ना, उसमें एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मदरली. लेकिन अगर मैं आपको लोग बोलूं, अभी देखो यहां पे ले लेते हैं ना, अगर मैं बोलूं लव प्लस एल वाई, तो लव क्या होता है? लव होता है सर नाउन, और ये क्या हुआ? एल वाई, क्या बन गया? एल ओ वी ई एल वाई, लवली. जैसे अगर मैं बात करूं, मैं इसको रब करना चाहूंगा, देखो ना, ए लवली चाइल्ड,
तो ये चाइल्ड क्या हो गया, नाउन, और लवली क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये देखिए ना, ये एडवर्ब नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर हम बात करेंगे नाउन के अंदर, अगर हम एल वाई जोड़ेंगे एडजेक्टिव बनता है, और एक हम एडजेक्टिव के अंदर एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनता है। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो अब आप मेरा आंसर देंगे इस चीज का। देखिए, अगर मैं बोलता हूं आपको कावर्ड, कावर्ड क्या हुआ, कावर्ड क्या होता है, नाउन, नाउन डरपोक इंसान, आ टिमिड पर्सन, ये नाउन होता है। अगर मैं बोलूं आपको ही इज कावर्ड, तो वो गलत है, वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। मुझे बोलना पड़ेगा ही इज अ कावर्ड। या अगर मैं आपको बोलूं सी ओ डब्ल्यू ए आर डी कावर्ड प्लस एल वाई, वो क्या बन जाएगा, कावर्ड होता है नाउन, और ये एल वाई कावर्ड प्लस एल वाई कावर्डली, वो क्या बन गया बताइए, एडवर्ब बना, नहीं, वो क्या बना है आपका, वो आपका एक एडजेक्टिव बना है। क्या बना है, एक एडजेक्टिव। तो अगर किसी नाउन में आप एल वाई जोड़ते हो, दैट बिकम्स योर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर गाइज? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी कि भाई जो टिमिड था, टी आई एम आई डी, उसका सिनोनिम क्या होगा, तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे, कावर्ड एक नाउन बोलेंगे, या सी ओ डब्ल्यू ए आर डी एल वाई कावर्डली एक एडजेक्टिव बोलेंगे, बताइए आप क्या बोलेंगे? आप मुझे बोलेंगे ये तो सर कावर्डली हुआ, कावर्ड नहीं हुआ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपको अगर इस कावर्डली को एडवर्ब बनाना पड़े तो आप कैसे करेंगे, देखो जरा कैसे मैं इसको रब कर सकता हूँ। ये लीजिए, अगर आपको बोलना है भाई ये लिखा हुआ है सर कावर्डली, ये लिखा हुआ है सर फादरली, ये लिखा हुआ है सर मदरली, ये सर सारे के सारे आपके क्या हैं, एक एडजेक्टिव हैं सर, और इनको आपको बनाना है एडवर्ब, तो आपको अपने आप, चूंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो आपको अपने आप इसके अंदर एक वर्ड यूज करना पड़ेगा इन ए मैनर। जैसे इसको एडवर्ब बनाऊंगा तो वो बनेगा इन ए कावर्डली मैनर। फादरली वो आपका बनेगा, क्या बनेगा बताइए, इन ए फादरली मैनर, इन ए फादरली मैनर। और ये मदर जो है वो क्या बनेगा, इन ए मदरली मैनर। ये भाई आप लोगों का इस एडजेक्टिव से मैंने क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। ये आपका क्वेश्चन बनता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, इस वाले पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर मैं आपको मेजर मेजर बात बोलूं, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ेंगे दैट बिकम्स योर एडवर्ब, अगर आप किसी नाउन में एल वाई जोड़ेंगे दैट बिकम्स योर व्हाट, एडजेक्टिव। और उस अगर एडजेक्टिव को आपको एडवर्ब बनाना है तो आपको फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा सर, इन ए कावर्डली मैनर, इन ए फादरली मैनर, इन ए मदरली मैनर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो मेरे एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। लेट अस सी, ही ट्रीटेड हर फादरली, ये लीजिए, ही ट्रीटेड हर फादरली। अब आपने देखा फादरली क्या है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या एडजेक्टिव जो है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा क्या, आई थिंक नहीं करेगा। तो आपको इसका मतलब ये एल वाई देख के भावनाओं में नहीं बहना है, आपको यहाँ पर अपने आप इसको ठीक करना है, और वो बनेगा ही ट्रीटेड हर इन ए फादरली मैनर, ही ट्रीटेड हर इन ए फादरली मैनर। उसने जो है एक पिता के समान उस बच्ची को ट्रीट किया जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके उन बच्चों की हेल्प कीजिए जो बच्चे रिमोट एरियाज में हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।